आज हम कद्दू का भरता बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इतना बड़ा ये कद्दू लिया है, करीब 1 किलो से ऊपर है। और इसके साथ ही ये मैंने पुदीना लिया है जिसको बारीक काट लिया है, धनिया पत्ती है, और ये 1 चम्मच टेस्टी नमक है, और 1 छोटा चम्मच ही चाट मसाला है, और 1 छोटा चम्मच ही काला नमक है। और इधर मैंने 8-10 लहसुन की कली ली है, इसको ऐसे बारीक काट लिया है, और 4 मैंने हरी मिर्च लिया है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये कद्दू को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और इसमें 4-5 आलू ले लिए हैं मैंने, और मैंने 5 टमाटर भी लिया है। इसको मैंने 3 सीटी कुकर में बॉईल किया है, और इसमें मैंने साथ ही 1 चम्मच नमक डाल दिया था। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको निकाल लिया है, लेकिन देखिए अभी भी इससे पानी निकल रहा है। तो हम इस पानी को ऐसे धीरे से, इसमें किसी भी बर्तन में ऐसे तो अलग निकाल लें। और यदि आप चाहें तो इसको आप इसी कुकर में डाल के ढक्कन हटा के थोड़ा देर और पका लें, जब तक कि ये पानी ना खत्म हो जाए। और इस पानी का चाहे तो इस तरीके से ऐसे निकाल लें, और इसका यूज दाल बनाने में भी कर सकते हैं या फेंक दें। तो मैं इस पानी को हटा दे रही हूं। अब हम इसको मैश कर लेंगे, या तो आप चम्मच की सहायता से किसी भी बर्तन से इसको इस तरीके से दबा दबा के मैश कर लें, या हाथ से दबा लें। इसको मैश करने के बाद इसमें हम ये लहसुन और मिर्ची या जो भी नमक वगैरह है इसको हम इसमें सब मिक्स कर लेंगे। पुदीना डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, उसको अच्छे से मिला लेते हैं हम। ये हमारा टेस्टी भरता बनकर तैयार है। इस तरीके से आप भी बनाकर खाकर देखें, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।